हेलो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर स्वागत है आपका। और गाइस, अगर आप एक स्मार्टफोन यूजर हो, एंड्रॉयड मोबाइल या स्मार्टफोन कोई भी सा भी यूज करते हो, तो इस वीडियो को आपको जरूर से देखना चाहिए। इस वीडियो के अंदर, जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा है, मैंने बताया, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप बिना किसी को कॉल किए हुए ये पता कर सकते हो कि सामने वाला बंदा जो है वो दूसरी कॉल पर है। बहुत मजेदार चीज है गाइस, सीखनी है तो इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। तो उससे पहले क्या होता है कि आपके फोन के अंदर ट्रू कॉलर होना चाहिए, ठीक है। ट्रू कॉलर मैक्सिमम लोग यूज करते हैं, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो अगर आपके फोन में भी ट्रू कॉलर है तो इस वीडियो को पूरा देखें आखिर तक और सीखें, ठीक है गाइस। क्या होता है कि हम किसी को कॉल करते हैं तो हमें पता चलता है कि सामने वाला वेटिंग पे आ रहा है, लेकिन बिना कॉल किए भी पता चल सकता है यार। आप ट्रू कॉलर के अंदर जाइए तो आपको कुछ इस तरह से कॉन्टैक्ट्स अपने दिखेंगे, लेकिन जो भी बंदा कॉल पे उस वक्त बात कर रहा होगा और आप अपने ट्रू कॉलर में चेक करोगे, मान लो आपने थोड़ी देर पहले बात की है, तो यहां पे आपको दिखाएगा लास्ट सीन, उस बंदे का लास्ट सीन भी दिखाएगा, कितनी देर पहले वो एक्टिव था फोन के ऊपर, या फिर अगर वो प्रेजेंटली कॉल पे होगा तो यहां पे इस तरह से आएगा ऑन अ कॉल। अब ये लास्ट सीन कौन सा आता है? लास्ट सीन वो आता है कि कितनी देर पहले, ट्रू कॉलर कब एक्टिव होता है? जब किसी को कॉल करते हैं या फिर किसी की कॉल आती है, ठीक है, ट्रू कॉलर तभी एक्टिव होता है। और ये लास्ट सीन वही आता है कि इतनी देर पहले या तो इस बंदे ने किसी को कॉल की है या तो इसको कोई कॉल आई है, ठीक है, और जो कॉल पे होगा उसका आएगा ऑन ए कॉल। यहां से आपको बिना कॉल पर किए पता चल जाएगा। आप करके देखना अपने फोन से, अपने फैमिली फोन पे करके देखना कि ये किस तरह से वर्क करता है। स्क्रीनशॉट्स मैंने आपको दिखा दिए, लेकिन ये तो बात हो गई पता करने की, लेकिन कोई आपकी इन चीजों को देखे नहीं, आपकी प्राइवेसी के अंदर ये चीजें चेक ना करे, उसके लिए आपको कुछ सेटिंग्स मैं बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर कि आप ये चीजें अपनी ऑफ कर सकते हो, ताकि किसी को पता ना चले कि आप कितनी देर पहले कॉल पे थे, कहां थे, क्या थे, ठीक है। तो ट्रू कॉलर अगर आप यूज करते हो तो चलिए चलते हैं सेटिंग्स में। तो गाइस, इस तरह से सबसे पहले आपको अपने ट्रू कॉलर के अंदर आना है, ठीक है। अब आपको सेट कैसे करना है अपनी प्राइवेसी के लिए, यहां पे आप जाओगे, जैसे ही यहां पे आपको सेटिंग ऑप्शन मिलेगा, सेटिंग पे चले जाना। यहाँ पे कुछ इस तरह से मेन्यू आपके पास आएगा, जिसमें आपको लेना है प्राइवेसी सेंटर, सेकंड लास्ट है, ठीक है। प्राइवेसी सेंटर पे क्लिक करके अवेलेबिलिटी को कर देंगे ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, शो अदर ट्रू कॉलर यूजर्स दैट आई एम बिजी ड्यूरिंग फोन कॉल्स 3G वाईफाई नेडेड साइलेंट मोड, जिस भी मोड में हो। अगर आप चाहते हो कि ट्रू कॉलर आपके दूसरी कॉल्स पे बिजी होने की डिटेल्स और इंटरनेट पे 3G 4G जो भी है इस चीज की रिपोर्ट दूसरों को दे, तो आप इसको ऑन कर लोगे। अगर चाहते हो ये डिटेल्स दूसरों के पास ना जाए तो ऑफ। इस ट्रिक का सबसे बढ़िया मजा यही है कि आप बिना किसी को कॉल किए पता कर सकते हो कि सामने वाला कॉल पे है। तो गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और लाइक जरूर कर दें वीडियो को अगर आपको अच्छी मिली है, और ऐसी ही और वीडियोस अगर आपको चाहिए तो भी मुझे कमेंट में बताएं। और मेरे चैनल पे जो पहली बार ये वीडियो देखा है, सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन के साथ। और मिलते हैं किसी और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।